गो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पहले भी आपको टोटका बताया था, अभी दोबारा बता रही हूँ। अजवाइन, शहद, गुड़। अजवाइन को पीसो, गुड़ को भी पीसो, दोनों शहद में डाल, शहद में मिला के रख लो। जब भी खांसी होए, जुकाम होए, नाक बहे, छाती बंद हो जाए, सांस बंद हो जाए, वो खा लो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई कोरोना बेरोना नहीं है, ये पुरानी बीमारी है। देखो अभी बुढ़ियाँ होती हैं, बुढ़े होते हैं, बाहर के होते हैं, बेचारे गरीब होते हैं, फिर वो इलाज नहीं करते हैं तो फिर खांसी हो जाती है, ज़ुकाम हो जाता है और फिर फेफड़ों पे पड़ता है और उसमें टीबी भी हो जाती है और दम भी हो जाता है, साका हो जाता है, ये बीमारी वही है। और छूने बूने से भी कुछ नहीं होता, तो छुओ, हाथ मिलाओ, ये होता है, नहीं 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 नहीं, ये सब झूठे, कुछ भी नहीं होता। हाँ, जिसका जूठा पहनते पीते हैं तब बोलते हैं भाई जुकाम हो गया, ये है और कुछ भी नहीं है। आप ऐसे डर से बीमारी हो रही है आप लोगों को, ये डरो नहीं, बिल्कुल नहीं डरो। ये जो मैंने आपको टोटका बताया है, अजवाइन का, शहद का, गुड़ का, ये पीस के रखो, छोटा होए, बड़ा होए और बिल्कुल पैदा वाला होए उसको भी थोड़ा सा खिला लो, और बुढ़ा होए उसको भी। मैं बोला घंटे, दो घंटे, तीन घंटे में ठीक नहीं हो जाए ना तो मैं ज़िम्मेदार हूँ। कितने लोग आते हैं मेरे घर पे भी आते हैं, मेरे से दवाई लेते हैं, मैं बना के रखी और मुफ्त में देती हूँ, मैं पैसे नहीं लेती हूँ। शहद भी पैसों के साथ आती है, सबको पैसों के साथ आता है, पर मैं बना के रखती हूँ, खुदा वास्ते देती हूँ। वो आते हैं, लेके जाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। कितने मरीज़ मेरे पास आए हुए हैं, ठीक हो गए हैं। ये कोई, ये सिर्फ डरे, ये डरो नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई कोरोना वेरोना नहीं है, ये पुरानी बीमारी है, ये पुरानी होती रहती है। नाज़रीन, आप ये करो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैं दोबारा आपको बोल रही हूँ, ये इसकी दवाई ये है और दवाई इसकी कोई भी नहीं है। आप देखना, कोई बीमारी की इसी की दवाई नहीं निकली हुई है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये आप खाओ, मैं ज़िम्मेदार हूँ, नहीं ठीक हो जाओ ना तो मेरी ज़िम्मेदारी है। आप घर पे बैठ के ये बना, क्या पैसे इतने थोड़ी है, 100, 200, 400, 500 लगेंगे और क्या लगेगा। ये करके तो देखो कितने लोग किए, ठीक हो गए हैं भाई।